मलिक बाबर अली। तो आज बात करते हैं 25 दिसंबर, फादर ऑफ नेशन ऑफ पाकिस्तान, बाबा ए कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी आज योम विलादत का दिन है। 25 दिसंबर को पूरे पाकिस्तान इसको बहुत ही नहायत इज्जत अकीदत एहतराम से मनाते हैं और बाबा ए कौम को खराज अकीदत पेश करते हैं। बाबा ए कौम वो इंसान थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश का अलग मुल्क के लिए तहरीक चलाई। बहुत सी दुनिया ने आवाज़ें उठाई कि पाको हिंद को एक ही रहने दो, आप क्यों इनको अलग करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुसलमान और हिंदुओं में बहुत फ़र्क है, आप एक इज्तमा से जो कि खताब कर रहे थे, स्पीच कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनमें से एक हिंदू लड़का उठा और कहने लगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, आप क्यों चाहते हैं कि मुसलमानों की अलग रियासत हो, अलग मुल्क हो। जिन्ना साहब ने एक अपने स्टूडेंट को कहा कि एक पानी का गिलास लेके आओ, और पानी का गिलास लेके आया तो कायदे आज़म ने कहा आधा गिलास पी के वो आधा गिलास जो पानी बचा था वो हिंदू को पेश किया कि ये लो तुम पियो। वो हिंदू लड़का कहने लगा मैं नहीं पीऊँगा, तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ, मैं तुम्हारा जूठा नहीं पीऊँगा। तो जिन्ना साहब ने वही आधा और जूठा गिलास अपने स्टूडेंट यानी कि एक मुसलमान लड़के को दिया और कहा कि इसको पी लो। उस लड़के ने फौरन गिलास पकड़ा और पी गया। तो जिन्ना साहब ने उस लड़के की को मुखातब करते हुए कहा मिल गया तो मिल तो गया होगा तुम्हें अपने सवाल का जवाब, इस वजह से मैं अपने लिए अपने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क अलग रियासत चाहता हूँ, क्योंकि ना तुम हमारा जूठा खा सकते हो और ना हम तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा सकते, इसलिए हमने अलग देश का इंतखाब किया। तहरीक चली, करारदाद मंजूर हुई 1947 को, 14 अगस्त 1947 को बाबा ए कौम की कोशिशें रंग लाई और हमें एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान की सूरत में मिला, जिसकी तहरीक के पीछे बहुत जिदोजहद थी, जिसका ख्वाब जिसका सपना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा और जिसकी तमीर कायदे आज़म के हाथों हुई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी में इस तहरीक को चलाया और मुल्क पाकिस्तान बनाने के लिए दिन रात एक की मेहनत की, दिल से मेहनत की, लगन की। आज तक आजकल के चोर डाकू लटेरों की तरह नहीं, शायद आजकल के चोर डाकू लटेरों की तरह अगर कायदे आज़म भी होते तो आज हमें ये आज़ाद रियासत ना मिलती, वो भी कुछ पैसे लेकर अपनी जेब में डालते और सोचते कि क्या ज़रूरत है दिन रात एक करने की, पैसे फ्री में मिल रहे हैं। तो इन्होंने पैसा नहीं देखा, उन्होंने कौम देखी, मुसलमानों का जो कि आने वाला वक़्त देखा, क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज़ किस तरह सलूक करते हैं और हिंदुओं को वो भी अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और मुसलमानों को एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत बना कर दी और हमें और हमारे आने वाली नस्लों को आज़ादी की सांस लेने की जो कि आज़ादी की सांस लेने की आज हम जिनकी वजह से सांस ले रहे हैं उनका शुक्र अदा ना करें तो क्या करें। कायदे आज़म वो लीडर थे, जब पहली पाकिस्तान की पहली कैबिनेट का इजलास हुआ तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से एक बंदा आके पूछता है कि जिन्ना साहब इन वजीरों को इन मशीरों को क्या पेश करें, चाय पेश करें या फिर कॉफ़ी।
कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जबान से आपको पता क्या निकला? उन्होंने कहा, क्या ये घर से पी के नहीं आए? क्या ये चाय और काफ़ी घर से पिए बगैर ही आ गए हैं? जो जो पी के आया है ठीक है, जो जो नहीं पी के आया उसको कह दो कि घर जाके पिए। ये कौम का पैसा है और ये कौम पर ही लगे तो अच्छा है। ऐसे लीडर थे वो कि जो कौम का एहसास जिनके दिल में मौजूद था कि यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ना हम हमारे बड़े भूले हैं ना हम भूलेंगे, और इंशाल्लाह क़यामत तक हमारी नस्लें ये कायद का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो एक और बात बताता चलो कि पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जब उन्होंने मुल्क को तहरीक किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी आवाम के साथ, कभी तहरीक के साथ, किसी के साथ कभी झूठ नहीं बोला। हाँ, हत्ता कि एक चीज़ उनकी थी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक हकीकत छुपाई, एक सच छुपाया। वो सच उनकी बीमारी का था। अगर वो सच और वो हकीकत अगर अंग्रेज़ों को या हिंदुओं को पता चल जाती तो आज हम शायद आज़ादी की सांस ना ले रहे हों। आज हमारा मुल्क पाकिस्तान शायद दुनिया के नक्शे में इस तरह मौजूद ना होता, और न जाने हमारी माओं बहनों बेटियों की इज्जतें किस तरह पमाल होती, और आज ये मुल्क आज़ाद करवाने का, एक अलग खुद मुख्तार मुल्क बनाने का के पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आज हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज हैं, अपने घरों में पुरसकून हैं। हम दुआ करते हैं उन मुसलमान भाइयों के लिए भी जो इस कश्मकश में है कि उनकी माओ बेटियों और बीवियों की इज्जतें पमाल हो रही है, जिस तरह हमारा कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर में जिस तरह हिंदू हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म कर रहे हैं, सितम कर रहे हैं, उनकी इज्जतों को पमाल कर रहे हैं। और भी ऐसे फलस्तीन में देख सकते हैं, इसराइल यहूदी जिस तरह फलस्तीन के लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, सितम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से मकबूजा इलाके हैं मुसलमान बहुत ही जो कि मुश्किलात में है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे कश्मीर भाइयों को भी